हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अब हम जा रहे हैं मटियाने की मिट्टी लेने के लिए, तो नेक्स्ट ब्लॉग उसी के आगे से है जो आप लोगों ने लास्ट देखा था। तो इसी के आगे अब हम लोग ये रस्म करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर 5 डलिया ली जाती है इस तरीके से, और मिट्टी को मतलब खोदा जाता है, उसे थोड़ी सी शगुन के लिए ली जाती है मिट्टी, और फिर उसी से कुछ बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, जैसे कि चूल्हा हो गया, एक दो तीन तरह की चीज़ें और बनती हैं। उसकी क्लिप मिस हो गई है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको जितनी है काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये रस्म जो घर की लड़कियां सुहागने वगैरह होती हैं वो करती हैं, और खुदाई का काम जो होते हैं वो दामादी या फिर मतलब दामादी करते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ, तो लड़कियाँ दामादी ही करते हैं मोस्टली इस रस्म को। तो मेरी बुआ फूफा जी हैं और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ने, तो हम इस घर की लड़की दामादी है। तो इस रस्म को हम सब मिलकर करेंगे, और 5 डलियों में इस मिट्टी को वहाँ से उठाया जाएगा और फिर घर लाकर रख के उसे मतलब मिक्स करके कुछ उसमें, और फिर उस मिट्टी से बनाए जाएंगे बर्तन। तो यहाँ पे आप ड्रोन की शूटिंग देख रहे हैं। आज मैंने अपने जो वीडियो है वो मेरा ये ज़्यादातर ड्रोन से शूट हुआ है, तो ये मेरे भाई का ड्रोन है जिससे उसने काफ़ी सारा वीडियो शूट किया है। तो बहुत जो शुरू में आपने क्लिप्स देखी हैं अभी तक, और वो सारी ड्रोन की हैं, और यहाँ पर वो शूट कर रहा है। तो कुछ कुछ क्लिप्स इसमें मैंने बनाई थी वो हैं, कुछ उसने जो ड्रोन से बनाई थी वो हैं। तो ड्रोन वाली आपने देखी होंगी, बहुत ही बढ़िया क्लियर और बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी में आई है वो, तो होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सामने हमारे घर के कच्चा जो प्लॉट पड़ा हुआ है उसी के सामने हम लोग अपने जब भाई की शादी की थी तो उसी में ये रस्म तब भी यहीं हुई थी, और बहन की शादी की भी ये रस्म यहीं पर हो रही है। तो यहाँ देख लीजिए, बस यहाँ हम लोग उसमें कुछ रोली चावल ये सब डाला जाता है, सोने चांदी की चीज़ कुछ डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और फिर फावड़े से उसे खोदते हैं। तो यहाँ पर फूफा जी और मेरे हस्बैंड ने, तो ये दोनों लोग इसको करेंगे। अभी ये देख लीजिए आप, ड्रोन ये चल रहा है यहाँ पर, ड्रोन से शूटिंग हो रही है। तो इस वाली की क्लिप भी मैंने शायद आगे डाली है जो इससे हुई थी, पता नहीं, जो मुझे मिली मैंने वो ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मजाक मस्ती चलता रहता है, ऐसे शादी के माहौल में मजाक मस्ती तो चलता ही रहता है। तो पतिदेव जी खड़े हुए, इनको कोर्ट निकलना है, और बीच में इनको रोक लिया गया है रस्म करने के लिए। तो बस अभी ये कर रहे हैं रस्म, तो फूफा जी और पतिदेव जी मिलके ये फावड़ा चलाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी और ये रस्म का सामान इसमें से उठाएंगे। तो बस इतनी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ले ली जाएगी 5 डलियों में, और फिर बस इसको लेके चलेंगे अंदर। तो बस मिट्टी हमने भर ली, और वहाँ से लेके हम लोग अपने घर के सामने आ चुके हैं, और अब यहाँ पे चल रहा है डांस। तो बस ऐसे ही होता है इसमें, मतलब औरतों की ये रस्में होती हैं और औरतों की इसमें मस्ती वगैरह चलती रहती है। तो ये मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ डांस कर रही हैं, तो आप इनका डांस भी देख लीजिए। तो बस अभी हम लोग अंदर चले जाएँगे और फिर आगे की रस्में करेंगे। तो यहाँ देखिए मिट्टी मिक्स करके रख दी है, और बस अब बैठ गए हम लोग गाना बजाना करने के लिए। तो बस यही चलता रहता है शादी में, रस्में, गीत गाने, खाना पीना, फिर गीत गाने, तो बस यही चलता रहता है हम लोगों का भी। और फिर बैठ जाते हैं, फिर कुछ करने लगते हैं, फिर बैठ जाते हैं गाने बजाने, तो ये मस्ती चलती रहती है इसी तरह। ये देखिए श्वेता को इसी सॉन्ग करना लगी है, शुरू हुई है डांस करने के लिए। तो बस हम लोगों को तो बहाना मिलना चाहिए डांस करने का, हम तो कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं, और शादी के माहौल में तो चलता ही रहता है बस। बन्नी की फरमाइश
बन्नी हमारी चली गई है सोने के लिए, तो बन्नी को सब ढूंढ रहे हैं कि भाई बन्नी है कहाँ। तो सब कह रहे हैं कि बन्नी शायद अपनी बन्नी से फोन पर बातें कर रही होंगी। पर मेरी बुआ लोग बहुत एक्सपर्ट है गाना गाने में, तो ये लोग थकती ही नहीं है। और गाना बजाना करने के बाद हम लोग आगे की रस्म करने के लिए बैठ गए थे। तो रस्मों में ना ये बरी और पापड़ वगैरह ये सब बनाने की रस्म भी होती है। तो अब आजकल बहुत कम लेवल पर ये चीज़ें होने लगी हैं। तो बरी तो सुबह के टाइम बनाई थी हम लोगों ने, तो उसका तो शूट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे पपड़ियाँ बन रही हैं अभी, आटे की पपड़ियाँ बनती हैं इसमें शादी में। तो ये बस यहाँ पे गाना बजाना करने के बाद हम लोग सब ये करने बैठ गए थे पपड़ियाँ बनाने, क्योंकि काफ़ी सारी बनाई जाती हैं, सबको बांटनी होती है, दी जाती है, तो फिर इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है पपड़ी बनाने में। और फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो जल्दी हो जाता है क्या काम, क्योंकि बुआ लोग को अभी अपने घर भी निकलना है, लोकल वाली जो है वो लोग अपने घर चली जाएंगी। तो फिर अभी तो जा रही हैं, फिर दो तीन फिर एक आध दिन के मतलब बाद ना वो रुकेंगी यहीं पर। तो बोली कि चलो हम बना लेते हैं सारी आज, जितनी ज़्यादा बन जाएंगी तो बेटर ही रहेगा। तो फिर ये लोग इसलिए बैठ गई थी। तो देखिए इतनी सारी बन चुकी हैं और फिर इनको ऑयल में फ्राई किया जाएगा। यहाँ पर मैं चेंज वेंज करके आ गई हूँ अपनी फ्रॉक पहन के, इतनी गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, सब लोगों ने चेंज भी कर लिया है और इवनिंग टाइम हो गया है, बस बुआ जाने वाली है। तो यहाँ देख लीजिए बुआ निकल रही हूँ, मैं आपको बाहर का घर का डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये देखिए आपने मॉर्निंग का देखा होगा आगे वाली क्लिप में, उसमें कुछ अधूरा था, तो यहाँ पर भी अभी भी थोड़ा बहुत कुछ रह गया है और इस तरीके का लग रहा है ये डेकोरेशन बाहर का, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और बुआ को छोड़ने के लिए बाहर तक आए थे हम लोग, तो बस ये अंदर का हमारे गार्डन एरिया का व्यू है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बस जल्दी एक और नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।